आपको लगता है कि इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी अलायंस बचा है क्या? कहते तो हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने पहले का आउटसाइड सपोर्ट। यहाँ न्याय यात्रा लेकर राहुल जी आए थे, आए थे क्या अखिलेश जी? नहीं ना आए थे, अखिलेश जी नहीं आए थे। दीदी हमारी एक ऐसी नेता है जो अमेठी के सुख में दुख में, कहीं कहीं कोई मृत्यु हुई है, कहीं कोई शहीद हुआ है, हर सुख दुख में दीदी आती है। इसीलिए अमेठी की जनता ने दीदी को दीदी माना और अपना परिवार माना। आपने भी प्रियंका जी को कहा दीदी, तो अमेठी की दीदी भाई बहन वो है नहीं है, दोनों भाई केवल वो जुमला करते हैं, चुनाव के समय आएंगे भाई बहन बन जाएंगे। 15 साल तो अमेठी की जनता ने उनको सांसद बनाया, हारने के बाद कभी अमेठी नहीं आए। अगर उनका परिवार था तो अमेठी आना चाहिए, वो हारे जीते इससे नहीं मतलब। लेकिन अभी आपने कहा कि वो आए भारत जोड़ो यात्रा में, हाय बाय करते चले गए, बाय बाय टाटा। इसीलिए अमेठी कितना समय गुजारा अमेठी में? अमेठी में एक मिनट नहीं रुके, वो गाड़ी से आए और चले गए, टाटा बाय बाय। अमेठी की जनता कार्यालय में नहीं रुके थे, टाटा बाय बाय। इस बार जनता तो छोड़िए, राहुल जी अपने जिला के कार्यालय में नहीं रुके थे। तो इस बार में तो राहुल गांधी को सिर्फ स्मृति ईरानी से डर नहीं लगता, अपने कार्यकर्ताओं से भी डर लगता है, पूछ लीजिए आपको आपको वरना कोई आप देखिए, जितने आज आप बीजेपी के देखेंगे यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सब लोकल हैं। सिर्फ गांधी परिवार है जो राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से लोगों को लाकर यहाँ पर प्रचार करवा रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं। क्यों? उनको अपने लोकल कार्यकर्ता पे विश्वास नहीं है, वो सब आपके पास उनका लोकल, क्योंकि आजकल कांग्रेस के सब लोग नाविका जी में आ रहे। आज भी उनका जिला का अध्यक्ष प्रदीप सिंगल, वो तो नहीं छोड़ा कांग्रेस पार्टी, लेकिन जब कोरोना आया था तब आप प्रदीप सिंगल से पूछ लीजिए गांधी खानदान क्या था यहाँ पर क्षेत्र में, नहीं था। तब मैं घूम रही थी गांव गांव, उनकी पार्टी के भी समर्थक, उनके पार्टी के भी कार्यकर्ताओं को जब दरकार थी हम ही खड़े रहते हैं उनके साथ मुसीबत में। लेकिन वो कहते हैं कि वो जाति जनगणना कराएंगे, वो जाति, अरे वो अपनी जनगणना कर ले पहले, कितने बचे हैं उनके पास सीटें, कितनी बची, लोग कितने बचे, कार्यकर्ता कितने बचे और नेता कितने बचे, बाद में देश गिने। अखिलेश यादव से पूछा गया कि राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनेंगे, आप बनेंगे, तो वो कहते हैं ये स्ट्रैटेजी बाद की है। अब मैंने कहा ना, एक स्ट्रैटेजी जो आपने जयराम रमेश के नाम से बोली, सीट हारने की स्ट्रैटेजी सिर्फ जयराम रमेश की हो सकती है। और जहां तक अखिलेश जी का सवाल है, तो अखिलेश जी भी कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि कल राहुल गांधी क्या कर डालेंगे। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है और श्रीमती वाड्रा ऐसा व्यक्तित्व है जिनके ऊपर उनके अपने अलायंस के पार्टनर्स ही विश्वास नहीं करते, तो जहां पर विश्वास ही नहीं है वो बोले क्या बेचारे। आपको अजीब लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी अमेठी से लड़ सकती थी पर नहीं? मुझे अजीब नहीं लगता, क्योंकि भागने की फितरत सिर्फ भाई में नहीं है। देखिए, आप लोगों को दिल्ली में लगता होगा क्योंकि चार्मिंग पर्सनालिटीज के नाम पे उनका बड़ा बड़का बड़का सब लिखते रहे इतने साल, लेकिन श्रीमती वाड्रा के पास इस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी थी 2022 के विधानसभा के चुनाव में। हमारे यहाँ 5 विधानसभाएं, उनमें से 4 विधानसभा में हमने उनकी जमानत जब्त करा रखी है और 5वीं विधानसभा जगदीशपुर में हारे हैं। और हर विधानसभा के चुनाव में, हर विधानसभा क्षेत्र में दोनों भाई बहन ने 22 में भी बहुत बड़ी बड़ी रैली करने का प्रयास किया, किया कि नहीं किया? तो आजमाइश हो चुकी है, हराया जा चुका है। तो आपको आज जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का है, MLC भाजपा का है, सांसद भाजपा का है, सरकार प्रदेश में भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है। ये जो आज कांग्रेस के नुमाइंदे कहते हैं ना कि जी हम लोग तब नहीं कर पाए विकास क्योंकि हमारी सरकार प्रदेश में नहीं थी, कहते हैं ना, प्रियंका जी का तो अपना वीडियो बाहर आया है जिसमें वो कह रही है, खुद स्वीकार कर रही है 2012 में, नहीं 22 साल हम लोग यहाँ रहे हैं, हम लोग अमेठी का विकास नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास प्रदेश में सरकार नहीं थी। अब है क्या प्रदेश में सरकार उनके? नहीं है, ना है, ना आएगी। आप क्या भविष्य देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं? यहाँ पे उनका नेता बता दो ना, यहाँ पे एक नेता, उनके जिला अध्यक्ष की जमानत जब्त कराइए तिलोई में।